अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सताज क्लासेस। तो आपके लिए 11 एंट्रेंस की सीरीज ये चल रही है, इंडो इस्लामिक का पोर्शन, जो इस्लामिक पोर्शन है वो कवर किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक है हमारा कुरान एंड हदीस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। इंट्रोडक्शन, रिविलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, तो कुरान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए एंट्रेंस से बनते हैं, वो हम जानेंगे। सूरह कौसर इज द स्मॉलेस्ट सूरह ऑफ कुरान। जैसे कि आपको पता है, कुरान जो है, कुरान में कितने सिपारे हैं? कुरान में कितने सिपारे हैं बच्चों? तो कुरान में है 30 सिपारे, 30 सिपारे हैं, ठीक है। और कितने सजदे हैं? तो 14 सजदे हैं, ठीक। कितनी मंजिल है? ठीक है, ये सिपारे या पारे, ठीक है, पारे या सिपारे 30 हैं। सजदे कितने हैं? सजदे तो 14। मंजिल कितनी है? कितनी मंजिल में बांटा गया है? तो 7, ठीक है। तो चैप्टर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। और सूरह कितनी है? सूरह सूरह कुरान मजीद में सूरह कितनी है? तो 114 सूरते हैं, ठीक है। 114 सूरते हैं, 114 सूरते हैं कुरान में, ठीक है। चलो, तो सूरह कौसर इज द स्मॉलेस्ट सूरह ऑफ द कुरान। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर, ठीक है। सूरह बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ कुरान। सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो वो है सूरह बकरा, सूरह बकरा, ठीक है। ये दूसरे सिपारे से शुरू होके, है ना, नहीं, पहले सिपारे से शुरू होके और तीसरे सिपारे के मिड तक, तकरीबन 2.5 सिपारे तक है ये, ठीक है। द लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज लर्नड, एजुकेटेड। कुरान का लिटरल मीनिंग क्या है? लर्नड, एजुकेटेड, ठीक है। कुरान वाज स्टार्टेड टू रिवील इन गारे हिरा। कहाँ स्टार्ट हुआ था कुरान? गारे हिरा में, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां इबादत करने जाया करते थे, केव ऑफ हिरा, बताया था ना, गारे हिरा। कहाँ है ये? नूर हिल, नूर नाम की पहाड़ी में, मक्का में, ठीक। कब से? 12 फरवरी 610 AD से, ठीक। जो बताया था आपको कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए और सूरह अलक की आयत पढ़ी, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, ठीक है। तो गारे हिरा, ये पूछ ले जाते हैं कौन सी गार थी वो, तो गारे हिरा। द सूरह ऑफ कुरान विच फर्स्ट रिवील कंप्लीटली इज सूरह फातिहा। ऐसी सूरत जो पूरी तरह एक साथ आई, फर्स्ट रिवील कंप्लीटली, तो कौन सी थी? सूरह फातिहा, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही है ना सूरह फातिहा, वही है, ठीक है। सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हो, सूरह फातिहा वही है, ठीक है। सूराज, पार्ट्स ऑफ कुरान एंड आयात, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कुरान उसको सूरा कहते हैं, आयात वर्सेस हो गई, आर क्रिएटेड बाय अल्लाह हिमसेल्फ, ये कुरान पूरा अल्लाह ने बनाया है। वाइल इन पाराज, चैप्टर्स एंड रुकूस, पैराग्राफ्स, इट वाज डिवाइडेड बाय ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर्स टू मेक इट इजी टू रीड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो अब इसको कितने सिपारे हैं? 30, ठीक है। और उसमें रुकू कितने हैं? ये सब जो ग्रेट स्कॉलर्स थे इस्लामिक, उन्होंने पढ़ने में आसानी हो इसलिए उसमें बांटा, ठीक है। और पूरा कलाम ये अल्लाह का है, ठीक। कुरान वाज स्टार्टेड टू रिवील इन शबे कद्र। शबे कद्र की रात से स्टार्ट होना शुरू हुआ, अ होली नाइट इन द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है। शबे कद्र क्या होती है? शबे कद्र जो, शबे बरात अलग चीज है जो शाबान में होती है, शबे कद्र जो है वो रमजान की 5 ताक रातें, यानी कि ऑड रातें जो होती हैं, 21, 23, 25, 25, 27, 29, ये ताक रात यानी कि ऑड नाइट जो होती है, उसमें शबे कद्र किसी भी दिन होती है। तो कुरान जो है शबे कद्र में नाजिल नाजिल हुआ, ठीक है। स्टार्टेड नाजिल होना शुरू हुआ, शबे कद्र में नाजिल होना शुरू हुआ। इन कुरान देर आर नेम्स ऑफ 26 प्रॉफिट। कुरान में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है, नाम आया है? तो 26 प्रॉफिट्स। इन कुरान द नेम ऑफ प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 135 टाइम्स। सबसे ज्यादा कौन से पैगंबर का नाम आया है कुरान में? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। कितनी दफा? तो 135 टाइम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, 135 टाइम्स। आगे इसके क्या है? इन कुरान द नेम ऑफ प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये बता दिया कितनी बार आया है, 135 बार, सबसे ज्यादा बार। इन कुरान देयर आर टू अदर नेम्स ऑफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दो और नाम हैं कुरान में जिक्र, जिनका आया है रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन किसको कहा जाता है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये चार बड़े फरिश्तों में से सबसे बड़े फरिश्ते हैं ये ओहदे में, ठीक। द फर्स्ट हाफिज ऑफ कुरान वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हाफिज कुरान के कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हाफिज, जिनको मुंह जबानी कुरान पूरा याद हो, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज हैं। इन कुरान देयर आर 14 सजदा वर्सेस, दैट इज अभी मैंने बताया कि कुरान में सजदे कितने हैं, सजदे का मतलब जहां कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनको जब पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए हम सजदा करते हैं, ठीक है, सजदा करते हैं, तो ऐसे कितने हैं, 14 सजदे, ठीक। इफ वी रिसाइट और लिसन टू दोस वर्सेस वी हैव टू डू सजदा, ठीक है, तो 14 सजदे हैं। एवरी सूरह ऑफ कुरान एक्सेप्ट सूरह तौबा स्टार्ट्स विद द वर्ड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मर्सीफुल एंड पावरफुल। कहने का मतलब यह है कुरान में हर सूरत जो है वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट हुई है सिवाय किसके, सूरह तौबा के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी सूरह जो है वो बिना बिस्मिल्लाह के स्टार्ट है, तो सूरह तौबा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ठीक। इन सूरह नमल, सूरह नमल है कुरान की एक सूरत है, सूरह नमल, नमल माने होता है आंट, चीटी, चीटी, सूरह नमल माने चीटी, चीटी के ऊपर एक सूरह है, ठीक है। द वर्ड्स बिस्मिल्लाह इज टू टाइम्स, ठीक। तो सूरह नमल एक ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह दो बार आई है, ठीक, टोटल दो बार आई है, ठीक है। देखो सूरह तौबा ऐसी सूरत है जिसमें बिना बिस्मिल्लाह के स्टार्ट है, लेकिन सूरह नमल ऐसी है जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह आई है, ठीक। देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ही वर्ड्स बिस्मिल्लाह इन कुरान इज 114 टाइम्स, यानी देखो 114 सूरतें हैं, 114 बार ही बिस्मिल्लाह आया है, लेकिन सूरह तौबा बिना बिस्मिल्लाह से स्टार्ट है, लेकिन सूरह नमल में दो बार बिस्मिल्लाह आई है, तो बराबर हो गया, है ना, 114। तो ये भी पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी सूरत है, उस सूरत का नाम बताइए जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह आई है, तो वो है सूरह नमल, नमल माने होता है आंट, चीटी, ठीक है। नमल माने क्या होता है, आंट, यानी कि चीटी होता है, ठीक है। चलो तो ये थी ये चीज, हाँ, तो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, बिस्मिल्लाह शुरू नहीं है, तो वो है सूरह तौबा, और जिसमें दो बार आई है वो कौन सी सूरत है, दो बार बिस्मिल्लाह आई है, तो सूरह नमल यानी कि आठ, टीटी के बारे में। इसमें इन कुरान देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, कुरान में अल्लाह के कितने नाम है, 99 नाम है। इन कुरान द वर्ड अल्लाह इज 2697 टाइम्स, कुरान में अल्लाह नाम कितनी बार आया है, 2697 टाइम्स। इन कुरान देयर आर 99 अदर नेम्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, कुरान में 99 नेम्स सल्लम के दूसरे नाम भी आए हैं, 99 अदर नेम्स, ठीक। इन कुरान वॉवल्स या आराब, यानी जिसमें जबर देर पेश, वर पुट इन 43 हिजरी, तो जबर देर पेश ये कब लगाए गए कुरान में, 43 हिजरी में लगाए गए। देर आर 3 नेम्स ऑफ मक्का इन कुरान, कुरान में मक्का के 3 नाम बताए गए हैं, कौन से, वादी गैर जी जरा बक्का एंड बलादिल अमीन। तो आपसे पूछ सकते हैं मक्का का पुराना नाम भी क्या है, बक्का भी है, ठीक। तो कुरान में इन 3 नाम का जिक्र आया है मक्का के लिए, वादी गैर जी जरा, बक्का एंड बलादिल अमीन, ठीक। द नेम ऑफ मदीना इन कुरान इज यसरब, आपको बता चुका हूं मदीना का पुराना नाम क्या है, यसरब, इंग्लिश में यत्रिब, ठीक। इन कुरान वाइन शराब इज कॉल्ड एज उम्मुल खबाइस, कुरान में शराब को क्या क्या कहा गया है, उम्मुल खबाइस, यानी खबाइसों की ड्रिंक है ये, खबीसों की, ठीक है। सूरह फातिहा इज आल्सो नोन एज, सूरह फातिहा को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बाबुल कुरान, बाबुल कुरान का मतलब है डोर ऑफ कुरान, कुरान का दरवाजा, तो कुरान का दरवाजा या डोर ऑफ कुरान कौन सी सूरत को कहा गया है, सूरह फातिहा को, और सूरह शिफा भी कहा गया है यानी कि क्योर, सूरह शुक्र भी कहा गया है यानी कि थैंक्स, उम्मुल किताब भी कहा गया है, मदर ऑफ बुक। तो सूरह फातिहा के देखो कितने सारे टाइटल्स हैं, सूरह फातिहा को हम बाबुल कुरान के नाम से जानते हैं यानी कि डोर ऑफ कुरान, सूरह शिफा के नाम से भी जानते हैं, क्योर, सूरह शुक्र, थैंक्स के नाम से भी जानते हैं, उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ बुक के नाम से भी जानते हैं।
तो आपसे पूछा जाए मदर ऑफ बुक कौन से सूरत को कहते हैं, तो सूरह फातिहा। बाबुल कुरान किसको कहते हैं, यानी कि डोर ऑफ कुरान किसको कहते हैं, सूरह फातिहा को। ठीक है, सूरह शिफा किसको कहा गया है, सूरह फातिहा को। इन कुरान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इज नोन एज सानियो स्नैन। ठीक है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को क्या कहा गया कुरान में, सानियो स्नैन कहा गया है। हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इज नोन एज जामियुल कुरान, तो कंपाइलर ऑफ कुरान। जामियुल कुरान का मतलब है कंपाइलर ऑफ कुरान, यानी कि कंपाइल करने वाले कुरान को। ठीक, तो ये जामियुल कुरान कौन है, तो हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये चीज देखनी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्या है, द वर्ड्स बिस्मिल्लाह वाज रिटन, द वर्ड्स बिस्मिल्लाह वाज रिटन बाय, द वर्स बिस्मिल्ला वाज रिटन बाय हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हु। वर्स आयत बिस्मिल्ला आयत किसके जरिए लिखी गई, हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु। आयतुल कुर्सी इज नोन एज लीडर ऑफ ऑल वर्सेस। ठीक है, आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों का लीडर कहा जाता है। आयतुल कुर्सी तीसरे से पारे में है। ठीक, इन कुरान द डे ऑफ गजवाए बदर, गजवाए बदर कब हुई थी, 17 रमजान में, इज नोन एज योमुल फुरकान, यानी कि डे ऑफ जजमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा योमुल फुरकान गजवाए बदर के दिन को, यानी 17 रमजान कब हुई है, गजवाए बदर, इन कुरान द डे ऑफ गजवाए बदर 17 रमजान को हुई है, तो उस दिन को क्या कहा जाता है, योमुल फुरकान यानी कि डे ऑफ जजमेंट। ठीक, द सूरह विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान, कौन सी सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है, एंड टू विच इट इज ऑर्डर टू रिसाइड इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज नियर टू डेथ इज सूरे यासीन। तो सूरे यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ठीक, और जिस शख्स का इंतकाल हो रहा हो, डेथ के करीब हो, उस पर पढ़कर दम करने से उसकी रूह आसानी से निकलती है। ठीक है, इसकी फजीलत है आयतल कुर्सी की। ठीक, तो कुरान का दिल किस सूरत को कहा गया है, सूरे यासीन को। द सूरे ऑफ कुरान नोन एज सलासुल कुरान, कौन सी सूरत को सलासुल कुरान यानी कि 1/3 ऑफ कुरान कहा जाता है, कौन सी सूरत को कुरान में कुरान की 1/3 सूरत कहा जाता है सलासुल कुरान, उसको कहा जाता है सूरे इखलास। सूरे इखलास कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये वाली जो सूरह है इसको कुरान में क्या कहा गया है, ये क्या है, कुरान की 1/3 कुरान, यानी कि आप इसको अगर 3 बार पढ़ लें तो एक कुरान का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो सलासुल कुरान कौन सी सूरत है, तो सूरे इखलास। सूरे ऑफ द सूरे ऑफ कुरान नोन एज उरूसुल कुरान, कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान, उरूसुल कुरान का मतलब क्या है, ब्यूटी ऑफ कुरान या ब्राइड ऑफ कुरान। ठीक है, ब्राइड यानी दुल्हन, कुरान की दुल्हन। ठीक, तो कौन सी सूरत को ब्यूटी ऑफ कुरान या ब्राइड ऑफ कुरान कहा गया है, उरूसुल कुरान कहा गया है, तो वो है सूरह रहमान, सूरह रहमान। ठीक है, जिसमें वो आयत है फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी आयतों को, कौन कौन सी चीजों को झुटलाओगे। ठीक है, तो वो सूरह रहमान है। ठीक, उसको उरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन भी कहा गया है। द सूरह ऑफ कुरान नोन एज सूरह गनी, कौन सी सूरत को सूरह गनी कहा गया है, यानी कि रिच इज सूरह वाकिया, सूरह वाकिया को कहा गया है। सूरह वाकिया द सूरह ऑफ कुरान हुज वन वर्स वाज रिवील इन मक्का एंड रेस्ट इन मदीना, ऐसी कौन सी सूरत है जिसकी एक आयत जो है मक्का में नाजिल हुई यानी कि आई, और बाकी सारी आयतें उसकी मदीना में आई, वो सूरह है सूरह रहमान। ठीक है, यानी कि कुछ हिस्सा, यानी कि एक आयत उसकी मक्का में नाजिल हुई, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो सारी बाकी आयतें मदीना में आई। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान इज नोन एज तफसीर ऑफ कुरान, कुरान तो कुरान का डिटेल एक्सप्लेनेशन को किस नाम से जानते हैं, किस क्या कहते हैं हम, तफसीर। तफसीर का मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। द तफसीर ऑफ कुरान विदाउट एनी नुक्ता, यानी कि नुक्ता का मतलब होता है डॉट। द तफसीर ऑफ कुरान विदाउट एनी नुक्ता नोन एज सुवतामुल इल्हाम वाज रिटन बाई फैजी शेख। द तफसीर कुरान की तफसीर, ऐसी तफसीर विदाउट एनी नुक्ता जिसमें कोई नुक्ता नहीं है, उसको कहते हैं सुवतामुल इल्हाम। और ये किसने लिखी, फैजी शेख ने, किसने लिखी, फैजी शेख ने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, फैजी शेख ने आगे
सूर्य फातिहा के बारे में एक चीज और है, सूर्य फातिहा इज ऑल्सो नोन एज सूर्य सलात भी कहा जाता है। सलात माने नमाज होती है, नमाज में हर रकत में सूर्य फातिहा पढ़ी जाती है, ठीक है। तो सूर्य फातिहा इज ऑल्सो नोन एज सूर्य सलात, ठीक है। सूर्य शिफा भी कहा गया है, ठीक है। सूर्य शुक्र भी कहा गया है, ठीक। चलो, सूर्य मतलब सूर्य फातिहा को, द सूर्य ऑफ कुरान नोन एज फसबताउल कुरान, कौन सी सूरत को फसबताउल कुरान के नाम से जानते हैं। फसबताउल कुरान का मतलब क्या है, पिलर ऑफ कुरान, कौन सी सूरत को पिलर ऑफ कुरान कहा जाता है, तो वो है सूर्य बकरा, सूर्य बकरा, ठीक, सूर्य बकरा। द फर्स्ट कॉपी ऑफ कुरान रिटन ऑन लेदर वॉज नोन एज कुरान की पहली कॉपी किस पे लिखी गई थी, चमड़े पे लिखी गई थी, इसको किस नाम से जानते थे, कहा करते थे उसे। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये किसके दौरे खिलाफत में लिखा गया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ये लिखी गई है, ये लिखा गया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, द तफसीर ऑफ कुरान नेक्स्ट, यहां पर है हमारी चीज क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक, हाँ। द तफसीर ऑफ कुरान रिटन बाई मौलाना अशरफ अली थानवी इज बयानुल कुरान, ठीक है। कुरान की तफसीर जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखी है वो बयानुल कुरान है। आपसे क्वेश्चन होगा बयानुल कुरान किसने लिखी है, तो अशरफुल अली मौलाना अशरफ अली थानवी, ठीक है। द तफसीर ऑफ कुरान रिटन बाई मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान, तफहीमुल कुरान नाम से तफसीर किसने लिखी है, तो मौलाना मौदूदी ने। द तफसीर ऑफ कुरान रिटन बाई मौलाना अबुल कलाम आजाद इज तर्जुमानुल कुरान, तो तर्जुमानुल कुरान किसने लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तफसीर ऑफ कुरान रिटन बाई सर सैयद अहमद खान इज तफसीरुल कुरान, तफसीरुल कुरान नाम से किसने लिखी है, तो सर सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन इंग्लिश इन द वर्ल्ड वॉज डन बाई मार्मेड्यूक एम एम पिक्थॉल, कुरान का पहला इंग्लिश का ट्रांसलेशन दुनिया में किसने किया, मार्मेड्यूक एम एम पिक्थॉल। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन उर्दू, कुरान का पहला उर्दू में ट्रांसलेशन पूरे इंडो मतलब इंडो पाक रीजन में किसने किया, मौलाना शाह रफीउद्दीन दहलवी। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी, कुरान का पहला ट्रांसलेशन हिंदी में किसने किया, डॉक्टर अहमद शाह मसीही ने, ठीक है। वॉवेल्स आराब वर पुट इन कुरान बाई हज्जाज बिन यूसुफ, बाई हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी, ठीक है। वावेल्स आराब यानी कि जबर ज़ेर पेश जो थे वो किसके दौर में लगे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने लगाए, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हु रिसाइटेड द कुरान इन यूनो, दुनिया के पहले पर्सन जिन्होंने यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुरान पढ़ा वो कौन थे, वाज मौलाना कारी शाकिर कासमी। इन कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज नोन एज इमामुन नास, कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस नाम से जाना जाता है, इमामुन नास यानी कि इमाम लीडर ऑफ पीपल, इमामुन नास का मतलब लीडर ऑफ पीपल, ठीक है। किस कौन से पैगंबर को इमामुन नास के नाम से कहा गया है कुरान में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इन कुरान द डूम्स डे यानी कि कयामत का दिन, डूम्स डे जजमेंट डे या कयामत का दिन इज नोन एज यौमुद्दीन, डे ऑफ रिवार्ड, यौमुद्दीन, ठीक है। कुरान में डूम्स डे कयामत के दिन को क्या कहा गया है, यौमुद्दीन डे ऑफ रिवार्ड, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।